हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनी कलर्स फाइन क्लासेस। दिस इज रश्मि हियर और आज हम बना रहे हैं इवनिंग स्काई लैंडस्केप। तो ये इवनिंग स्काई है और पानी का रिफ्लेक्शन भी इसमें आ रहा है, प्लस बोट का पर्सपेक्टिव। तो ये सारी बातें हम इस लैंडस्केप में समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, बिकॉज बोट का जो रिफ्लेक्शन है और बोट का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत बहुत जरूरी है। अगर बोट की जो ड्राइंग है ठीक से नहीं होगी तो आप किसी भी मीडियम में करें, चाहे आप एक्रेलिक में करें, वाटर कलर में या ऑयल में, तो वो मजा नहीं आएगा। पेंटिंग में 3D लुक नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि वीडियो में मैंने डायरेक्ट नाइफ से ड्रॉ किया है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए ठीक है, अगर नहीं है डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए तो आप पहले उस पर ड्रॉ कर लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने बेस बनाया, बेस बनाने के बाद उसको एक या दो दिन थोड़ा सूख जाने दीजिए। सूख जाने देने के बाद ही उसके ऊपर ड्रॉ करके फिर हमें करना है, क्योंकि जैसे मैंने पूरा वेट ऑन वेट किया है तो आप वेट ऑन वेट वेट सरफेस पे ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब आप ऑयल का बेस करेंगे, ऑयल का जब बेस रेडी कर लेंगे स्काई और उसका जो बेस है, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर से हमें इस बोट को इस तरह से कार्व कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि देखिए जो दूसरी बोट है, तो ये जो पहले वाली बोट थी वो साइड फेसिंग है, तो हम उसको लंबा देख पा रहे हैं, और ये जो बोट है ये हमारे फ्रंट में रखी हुई है, तो इसकी जो लेंथ है दैट विल नॉट लुक फुल, ओके ना। सो दैट विल लुक हाफ ओनली, आई मीन द फोर शॉर्टनिंग, बिकॉज ऑफ फोर शॉर्टनिंग द बोट्स साइज विल लुक लिटिल लेसर, एंड वी आर सीइंग द फ्रंट प्लेन ऑल्सो। सो जो फ्रंट प्लेन है उसको भी हम देख पा रहे हैं, ये हमारा फ्रंट प्लेन है जो मैं इस समय बना रही हूँ, ये देखे। और यहाँ से मैंने मिडिल पार्ट बनाया एंड उसके बाद मैंने इसको नीचे से कनेक्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रंट प्लेन हम देख पा रहे हैं, ऊपर का टॉप प्लेन भी हम देख पा रहे हैं। टॉप प्लेन में जब हम बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो कवरिंग एरिया है बोट को, जो कवर कर रखा है, उसका जो शेप है वो मैच होना चाहिए, और जो पार्टीशन है वो भी आप देखिए बिल्कुल सेंटर में ही आएगा, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि आगे वाला पोर्शन हम बड़ा देख पाएंगे। तो इस तरह से इसकी मिडिल लाइन करने के लिए हम क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करेंगे तो आपको सही से मिडिल लाइन पता चल जाएगी। और एक जो मिडिल लाइन हम बनाएंगे तो आप देखिए कि जो पीछे वाला एरिया है मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देती हूँ, है ना। अब ये एकदम ठीक है और इसका हम शेडो बना लेते हैं। तो जब आप ड्रॉ करें तो पूरा ड्रॉ जरूर कर लें, शेप्स वगैरह सही से जब आते हैं तो हमारी पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ये देखिए, ये ड्रॉ करने के लिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में ड्रॉ किया है कि जब आप ड्रॉ करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह से आप आराम से सही तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। इसके बाद जब आप ये करें तो आपको 1 point, 2 point, आई लेवल और फोर शॉर्टनिंग, इन सबका बहुत ध्यान रखना है। अगर ये सही है तो आपकी बोर्ड बिल्कुल सही बनेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि मैं वेट ऑन वेट कर रही हूँ तो ये मैंने कैनवस को जैसो कर रखा है, उसके ऊपर मैं पूरा वाइट कलर कर रही हूँ। वाइट कलर के बाद मैंने स्काई के लिए ऑरेंज कलर लिया है, और जो क्लाउड है, क्योंकि वाइट मैंने ऑलरेडी कर दिया है तो उसका पार्ट मैंने छोड़ दिया है वाइट, और ब्लेंड बहुत अच्छे से होगा क्योंकि वेट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर मैंने थोड़ा क्रिम्सन लिया है और ऑरेंज के साथ उस क्रिम्सन को मैं मिक्स कर रही हूँ। इस एरिया में भी क्रिम्सन एंड थोड़ा सा स्कारलेट मैंने लिया है। नीचे वाला जो एरिया है, क्योंकि रिफ्लेक्शन है सी में,
तो काफी पिंकिश दिख रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ब्लूइश, क्योंकि सन की वजह से जो सन के पास वाला दूर वाला एरिया है वो पिंकिश दिखेगा और जो पास वाला है दैट विल लुक ब्लूइश बिकॉज ऑफ द स्काई रिफ्लेक्शन. रेस्ट ऑफ द स्काई इज ब्लू, सो जो नियरर सी है, जो नियरर पानी का इफेक्ट है वो हमें ब्लूइश दिखाई देगा. तो क्योंकि शाम का सीन है तो मैंने ब्लू के साथ थोड़ा सा क्रिम्सन मिक्स किया है, थोड़ा पर्पलिश कलर ऐसे बनाया हुआ है और वेवी इफेक्ट है क्योंकि क्योंकि वे सी है तो वेवी इफेक्ट होने ही है. तो आपके स्ट्रोक्स इस तरह से होने चाहिए कि वो वेव की तरह दिखें. जो दूर का एरिया है, होराइजन लाइन है, उसको हमें थोड़ा सा ग्रेइश कलर बना के इस तरह से बना लेना है. देखिए, और अब मैं बोर्ड बना रही हूँ. देखिए, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ नाइफ से, मैंने ड्राइंग करते समय भी बोला था. तो अगर आप बिगिनर्स हैं, डायरेक्ट नाइफ से बनाने में डिफिकल्टी, वैसे तो ट्राई करिए, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं. पर फिर भी अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको लगता है कि इस तरह से ड्रॉ करने में मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा सरफेस को, जो हमारा वेट सरफेस हमने रेडी किया है, उसको एक दो दिन ड्राई होने दें. उसके बाद थोड़ा सा पेंसिल से, क्योंकि पेंसिल से हम सही भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं, और उसके बाद ही फिर आप बनाएं. तो मैं शेडो और जो साइड प्लेन है वो हमारे साइड है, तो हम उसको पूरा ड्रॉ करेंगे. ये देखिए, और थोड़ा सा पानी को भी मैं डार्क कर रही हूँ बिकॉज अब हमें दूसरी बोट बनानी है, तो हमारा जो कलर वैल्यू है वो करेक्ट होना चाहिए. और ये मैंने बोट का एज बनाया. नाउ शेडो को थोड़ा सा डार्क करना है. एंड देखिए, इस तरह से हम उसके जो मिडिल वाला जो पार्टीशन है वो भी मैं बना रही हूँ. शेडो का साइज और लेंथ भी चेक करना है. यहाँ पे देखिए, जो दूसरी बोट है वो मैं बना रही हूँ. तो जो पूरा शेप है जैसे कि हमने ड्रॉ किया था, उसी तरह से मैं शेप को कार्व कर रही हूँ. नाइफ से ही बना रही हूँ, मुझे नाइफ से कंफर्टेबल लगता है. अगर आप लोगों को नाइफ से डिफिकल्टी होती है तो मुझे कमेंट में जरूर बोलिए. मैं नाइफ से किस तरह से पेंट करना है उसका पूरा ट्यूटोरियल फिर मैं एक वीडियो में डालती हूँ. इस तरह से देखिए, जो ऊपर का टॉप पार्ट जो कवर्ड है उसको भी मैंने रेडी कर लिया है. और ये देखिए, फ्रंट प्लेन छोड़ते हुए शेडो हमें बनानी है. शेडो क्योंकि हमारी डार्क है तो मैंने शेडो के लिए रॉ अंबर कलर लिया हुआ है. जो बोट का टॉप एरिया है उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर लिया है और जो पूरी बोट है वो सेम पर्पलिश कलर है जिसमें मैंने अल्ट्रामरीन और थोड़ा क्रिम्सन मिलाया हुआ है. और रॉ अम्बर अगर आपके पास नहीं है तो आप रॉ अम्बर के लिए बर्न सियाना में थोड़ा सा ब्लैक या फिर थोड़ा सा प्रूशन ब्लू भी मिला सकते हैं. लेकिन प्रूशन ब्लू जब आप मिलाएं तो बहुत ध्यान से मिलाइए, क्योंकि प्रूशन ब्लू बहुत डार्क कलर होता है और एकदम से सारा कुछ ब्लू कर देता है. तो इसलिए आप जो है उसको मिलाते समय ध्यान रखिए कि एकदम से ब्लू ना टर्न हो.
बस डार्क ब्राउन ही हो। इस तरह से छोटे छोटे जो प्रिसीजन हैं, छोटे छोटे जो रिफाइनमेंट हैं, वो मैं देते जा रही हूँ। और ये देखिए जो हमारा शेप है बोट का, बहुत ही ब्यूटीफुली रेडी हुआ है। जो कलर वैल्यूज हैं वो भी मैंने करेक्टली दिए हैं। एंड देखिए यहाँ पर अभी मैं जो स्टैंड है या लॉग है उनको बना रही हूँ। मैंने बर्न्ड अंबर से ही बनाया है और उसका शेडो, और उसके ऊपर मैं लाइट से जो हमारा ऑरेंज ऑरेंज के साथ मैंने व्हाइट मिक्स किया है लाइट कलर के लिए। और ये देखिए मैं सारे जो हाइलाइट्स हैं वो कर रही हूँ। इवन हमारे जो लॉग्स में भी जो लाइट पड़ रही है राइट साइड से, वो भी मैं उसी कलर से ऑरेंज में व्हाइट मिक्स करके कर रही हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा लैंडस्केप रेडी है। और आपको पता ही है कि मैं वाटर और रिफ्लेक्शंस काफ़ी बनाती हूँ, तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ वाटर और रिफ्लेक्शन बनाने में, क्योंकि मैंने सारे मीडियम से वाटर और रिफ्लेक्शन बनाया हुआ है, ऑयल में भी वाटर में भी। और स्केचिंग तो करना ही करना है, उससे भी कई बार जब आप रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो उसके साथ उसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जो माइनर डिटेल्स हैं, उन सब से आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल बनाए, आई एम रियली रियली सो हैप्पी। एक ये हमारी दूर एक बोट है जो दिख रही है, और दूर छोटे छोटे से डिटेल्स हैं जिनको मैं दे रही हूँ। डन है, देखिए हम टेप निकाल के देखते हैं कि कितना ब्यूटीफुल हमारा बना है। ऑल डन, साइन अप मैंने कर दिया है। और अब देखिए टेप निकालने के बाद ही जो ब्यूटी है वो दिखती है। वाओ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें, सो दैट आप कभी भी कोई वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।